चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते हुए राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आज चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित कर 5 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी, जिसमें 23 नवंबर को राजस्थान में वोटर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वहीं 3 दिसंबर 2023 को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई, वैसे ही राजस्थान में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर अब पूरे राज्य भर में व्यवस्था की चाबी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आ गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही भिवाड़ी नगर परिषद के अधिकारी हरकत में आ गए हैं और नगर परिषद क्षेत्र में राजनीतिक प्रसार प्रचार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर सहित सभी पोस्टर और बैनर उतारने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक सरकारी खंभों पर पोलों पर लगे राजनेताओं के बैनर व पोस्टर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, तो वहीं आचार संहिता लागू होते ही नगर परिषद इन सैकड़ों बैनर को उतारकर ऑटो टिपर की शोभा बढ़ा रहे हैं। नगर परिषद भिवाड़ी इसी काम को 10 टीम बनाकर पोस्टर, बैनर व होर्डिंग उठाने में जुटी हुई है। भिवाड़ी नगर परिषद के मुख्य स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को जैसे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, वैसे ही नगर परिषद की 10 टीमें पूरे परिषद क्षेत्र में लगे राजनीतिक होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर उतारने में जुट गई है। प्रत्येक टीम में 5 कर्मचारी लगाए गए हैं। ये सभी टीमें माटीरा से टोल रोड के साथ साथ बाईपास, मनसा चौक, यूआईटी थाना, भिवाड़ी मोड़, नीलम चौक से बेरियल तक, साथ ही रिलैक्सो चौक से पूरे औद्योगिक क्षेत्र के साथ शहर में नेताओं के द्वारा लगाए गए प्रसार प्रचार के लिए बैनर पोस्टर को हटाने का काम कर रहे हैं। ये काम सोमवार देर शाम तक पूरा किया जाएगा और शहर में कहीं भी इस तरह के बैनर और पोस्टर नजर नहीं आएंगे। आज के बाद अगर किसी तरह का भी कोई राजनीतिक बैनर और पोस्टर लगा हुआ मिलता है, तो उस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए ऑटो टिपर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉली काम में ली जा रही हैं। उतारे गए सभी बैनर और पोस्टरों को नगर परिषद के फायर स्टेशन में जमा करा दिया गया है। अभी तक सैकड़ों की संख्या में पोस्टर और बैनर उतारे जा चुके हैं।